हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज है 3 मई और हम लेकर आए हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप डेली की करंट अफेयर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए। फ्रेंड्स, आप हमें हमारे फेसबुक पेज हंसराज स्टडी मटेरियल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर ये दिवस छूट गया है। ये मनाया गया है 1 मई को और इस बार की मजदूर दिवस की थीम थी यूनाइटिंग वर्क्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। भारत में पहला मजदूर दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहला मजदूर दिवस चेन्नई में 1923 में मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ILO संस्था द्वारा मनाया जाता है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है उसे ILO द्वारा मनाया जाता है और इसे सर्वप्रथम 1886 में मनाया गया था। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और ILO का मुख्यालय है जेनेवा में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? ये लगाया है लगभग 625 करोड़ रुपए का। और सेबी ने यह जुर्माना क्यों लगाया है? सेबी ने यह जुर्माना सह स्थान सुविधा के दुरुपयोग के मामले में लगाया है। बात यहाँ सेबी की हुई है तो हम उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। यह भारत में शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। तो सेबी का कार्य क्या है? इसका कार्य है शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। और सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके साथ ही यहाँ पर NSE की बात हुई थी, उसके बारे में जान लेते हैं। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसकी स्थापना 1992 हुई थी, इसका मुख्यालय है मुंबई में। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है अल्फ्रेड ब्राउनेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2018-19 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? ये बना है इराक। यह भारत को कुल तेल का लगभग 1/3 तेल भेजता है। देखिए, भारत को जितने तेल की आवश्यकता होती है लगभग उसका 1/3 तेल भारत इराक से प्राप्त करता है। तो भारत को तेल पहुंचाने वाली शीर्ष में आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? वह है इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा हटाया है? ये हटाया है नेपाल ने। कितना कचरा हटाया है? लगभग 3000 किलोग्राम कचरा हटाया है। और इस 45 दिवसीय अभियान का उद्देश्य माउंट एवरेस्ट से 10000 किलोग्राम कचरा हटाना था। तो यह अभियान कितने दिन तक चला? कचरा हटाने का अभियान चला 45 दिन तक और इसका उद्देश्य है 10000 किलोग्राम कचरा हटाना माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट की बात हुई है तो हम उसकी ऊँचाई जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई है 8848 मीटर और संस्कृत भाषा में माउंट एवरेस्ट को देवगिरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लघु फिल्म को 91वां अकादमी पुरस्कार का ऑस्कर मिला है? ये मिला है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 30 अप्रैल को और आयुष्मान भारत की इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? ये बने हैं बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग के कारण अपनी राजधानी बदलेगा? इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया हाल ही में अपनी राजधानी बदलने जा रहा है और इन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी है जकार्ता,
उसका ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य में समुद्र में डूबने का अनुमान है और इसी कारण इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वर्ष 2019-20 के लिए देश के विकास के लिए कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? ये लगाया है 7.3%। और इन्होंने ये वृद्धि दर कम क्यों आंकी है? इसका कारण है कम मानसून की भविष्यवाणी। इस बार मानसून की भविष्यवाणी कम की गई है, इसीलिए इन्होंने ग्रोथ रेट को कम आंका है। हम अदर संस्था द्वारा भी जारी की गई ग्रोथ रेट को देख लेते हैं, किसने कितनी बताई थी। वर्ल्ड बैंक ने बताई थी 7.5% ग्रोथ रेट रहेगी, RBI ने 7.2%, ये वर्ष 2019-20 के लिए है, और ADB ने बताई थी कि 2019-20 में 7.2% रहेगी ग्रोथ रेट और 2020-21 के लिए रहेगी 7.3%। IMF ने बताई थी कि 7.3% 2019-20 के लिए और 7.5% 2020-21 के लिए। और अभी हम इस जो ये बताई थी अब इसे भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं, इंडियन रेटिंग रिसर्च ने बताई है 7.3%। तो यहाँ से ये सारा डाटा एक जगह आपको मिल जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा फ्रांस के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ? ये हुआ है वरुण। यह अभ्यास गोवा के समुद्री तट पर शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? समुद्री तट पर। और यह इस अभ्यास का 17वां संस्करण है। यह 2 चरणों में पूरा होगा और जिसका दूसरा चरण होगा मई के एंड में। इसकी शुरुआत इस अभ्यास की शुरुआत 1983 में हुई थी और 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन GST पर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? ये करेगा इग्नू GST पर पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। यहाँ GST की बात हुई है तो हम GST के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम GST फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। और भारत में कब लागू हुआ था? भारत में यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था GST? ये हुआ था असम राज्य में, और सबसे बाद में जम्मू कश्मीर राज्य में इसे लागू किया गया था। भारत में लागू GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में लागू GST कनाडा के GST मॉडल पर आधारित है। और ये किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। तो GST के ब्रॉड एम्बेसडर कौन है? ये हैं अमिताभ बच्चन, और इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में अरुण जेटली है। GST को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? वो बन गया है मलेशिया, जिसने 2018 में GST को समाप्त कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से GST के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। शायद ये आपके लिए एग्जाम में जरूर आएंगे, उनमें से ज़्यादातर पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? ये क्या है? गुरप्रीत सिंह संधू व JJ लाल पेकलुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के कौन सम्राट 200 वर्षों से अधिक वर्षों के दौरान सिंहासन छोड़ने वाले पहले सम्राट बने? ये बने हैं अकिहितो। देखिए, 200 वर्षों में अपना सिंहासन छोड़ने वाले पहले जापानी सम्राट बन गए हैं। यहाँ बात जापान की हुई है तो जापान की राजधानी है टोक्यो और वहाँ के प्रधानमंत्री है शिंजो एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 2018 के लिए किसे वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है योही ससाकावा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2019 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? ये मिला है सिमोन बाइल्स को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।